आखिर जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं पीटीआई का यहाँ PP89 पीरमहाल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन कार्टन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में, जिसकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट सारे मैं पेश कर मैंने दिखाए हैं। हम सारी फैमिली का बिजनेस है, इसमें कोई फान शहरी नहीं है। मैंने पार्टी को 10,000 रुपए चंदा दिया था, जो कि इन्होंने मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फान फंडिंग में आ गया है। मैं हैरान हूँ ECP के इस फैसले के ऊपर कि उन्होंने ये भी देखना दोबारा नहीं किया कि एक पाकिस्तानी कंपनी है और इसका दफ्तर हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है और कोई इसका फॉरन ऐसा कोई नहीं है अकाउंट के कंपनी, और इवन ना तो मैं कोई नेशनलिटी होल्डर हूँ, ना ही मेरे पास कोई अकामा है, ना मेरे बीवी बच्चों के पास, ना मेरे वालदेन के पास, ना मेरे भाई के पास। हम प्योरली पाकिस्तान से हैं और हमने यहाँ से हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान से पेमेंट ट्रांसफर की थी और हबीब बैंक अकाउंट में भेजी थी। मेरा नाम मुराद अंसारी है और मेरा नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में आया है एज ए नॉन सिटीजन, जिसने PTI इलेक्शन कैंपेन को फंड्स भेजे हैं। तो मैं जस्ट क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान की और कैनेडा की। फंडिंग केस का फैसला आया है तो मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तानी। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, 20-22 साल से UK में मुकीम हूँ, PTI की सपोर्टर 1996 से। एजेंट हूँ जो अपने हक हलाली कमाई से इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। मेरा पैगाम उन सब के लिए जो हमें फॉरेन एजेंट्स कहते हैं, इंशाल्लाह इमरान खान जब इक्तदार में आएंगे तो हम सब पाकिस्तानी मिलके, हम सब मिलके हमारे मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे इसी फंडिंग से, और इंशाल्लाह हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदिल, आई बिलोंग इन लंदन, आई लिव हियर ऑल माय लाइफ, आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी, I am a dual national holder of both Pakistani ID card and a British passport. Mera ye ECP ko ek message hai jo inhone abhi do din pehle ek bahut bada ilzam lagaya hum sab pe ki hum ji foreign agents hain. Hum kaun se foreign agents hain? Hamara mulk Pakistan hai, hamari pehchan Pakistan hai. Kidhar se aapne bata diya ki hum foreign agents hain aur hum Pakistan paise foreign agents ke through bheje?
वी आर पाकिस्तानी, वी लव आवर कंट्री। हम देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है पीटीआई एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो विल कैरी द कंट्री फॉरवर्ड। हम उनको पैसे भेज रहे अपने हार्ड एंड मनी से। कभी आप हमें बॉस बना देते हैं, कभी आप हमें क्या बना देते हैं, आज हमने आपने हमें एजेंट्स बना दिए, ये अब नहीं चलेगा। वी आर नॉट एजेंट्स। और आपको दो तीन दिन में ये खबर मिल गया ऑलरेडी फॉरन पाकिस्तानी से, जो पाकिस्तानी पैसे भेज रहे ज्यादा। वी ट्रस्ट इमरान खान, वी ट्रस्ट पीटीआई। और आप जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं? आप अपनी फाइंडिंग दे दिए, आगे पास करें अपनी फाइंडिंग। जो जजमेंट वाले लोग बैठे हुए, जो पैनल बैठा हुआ है, वो अपनी फाइनल डिसीजन दे। यू आर नो कैपेसिटी टू से दैट वी आर फॉरेन एजेंट्स एंड पास दिस काइंड ऑफ रूलिंग्स। थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन कमीशन ने बहुतान लगाकर हमारी दिल आजारी की है, हमें इस चीज का बहुत दुख है। हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने दी गई रिपोर्ट को एक दफ़ा नज़रसानी करें और हम पर जो बहतान लगाया गया है इस बहतान को वापस लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है और हमारा फख्र इमरान खान है और उनकी तरीके इंसाफ है। माय नेम इज खुर्रम एंड इट्स बीन लाइक 7 इयर्स आई एम लिविंग इन दुबई। आई एम वन ऑफ दोस सो मेनी फॉरेन एजेंट्स हु हैव बीन फंडिंग खान साहब सिंस एजेस। हम तो ये करते रहेंगे जनाब, आप हमें डिसोन नहीं कर सकेंगे। आपने कल एक घिनौनी कोशिश की है हमें डिसोन करने की, जिसमें आप बड़े बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। दो काम इसी भी कमिश्नर साहब आपके जिम्मे लगाए गए थे। एक काम था इलेक्शन का, जिसमें आप नाकाम हो चुके हैं। दूसरा काम था खान साहब को किसी ना किसी तरीके से डिफेंड कर दिया जाए, वो भी आपसे नहीं हो पाया, उसमें भी आप कल बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। अब चूंकि आप फेल हो ही चुके हैं और आप सबको बता चुके हैं कि आपकी काबिलियत नहीं है, तो आप अपने निकम्मेपन का मजीद तमाशा ना लगवाइए। आप रिजाइन सबमिट कीजिए, इस कुर्सी को छोड़िए, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस पोजीशन। आप कुर्सी से उतरिए ताकि पाकिस्तान एक दुरुस्त सिंह में आगे बढ़ सके। थैंक यू।